अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले तो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप इंटरनेट के ऊपर मार्केटिंग करें। फर्स्ट ये चीज हो गई आसान अल्फाज में, ठीक है। सेकेंड, क्या इसके अंदर प्लेटफॉर्म कौन कौन से आते हैं कि हम उनके ऊपर मार्केटिंग कर सकें। एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं YouTube की। आप YouTube के ऊपर वीडियोस प्रमोट कर, वीडियोस को पेड एड चला के प्रमोट करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, आपको हजारों व्यूज और क्लाइंट्स मिल सकते हैं, नंबर वन। नंबर दो कि आप Google के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलाकर, ठीक है, आप उस पेड एडवर्टाइजमेंट चला के टेक्स्ट एड, सर्च एड, इमेज एड, कॉल एड, सारे ऐड गूगल ऐड के थ्रू चलते हैं, ऐड चलाकर आप अर्निंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये तो हो गए दो पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है फेसबुक। फेसबुक बहुत बड़ा एक अच्छा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ ऐड, जब आप इमेजेस स्क्रोल कर रहे होते हैं, नीचे देख रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ एड्स शो हो रहे होते हैं जिनके साथ स्पॉन्सर्ड का वर्ड लिखा होता है। वो बेसिकली पेड ऐड होते हैं, उनके पीछे पेड ऐड होते हैं, वो मुख्तलिफ लोगों को फेसबुक खुद दिखा रहा होता है, फेसबुक खुद दिखा रहा होता है बहुत से लोगों को, और वो दिखाने के बाद उसमें भी इमेज है, स्क्रोल है, उसके अलावा स्लाइड है, उसके सिंगल इमेज है, ज्यादा इमेजेस है, उसके अंदर 5 से 6 ऑप्शन मौजूद है कि वहां पे भी आप ऐड चलाएं और अपने बजट के हिसाब से आप ऐड चलाकर आप अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हैं। ये हो गई डिजिटल चौथी चीज। अब उसके अलावा ट्विटर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े लोग इसके ऊपर ट्वीट्स करते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक फेमस प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। उसके अंदर भी वो एडवर्ड की तरह पेड एड का ऑप्शन है कि मुख्तलिफ जगहों पर वो आपका इमेज पेड लोगों को दिखाता है, अच्छे और सीनियर लोग वहाँ पे बैठे होते हैं गूगल ट्विटर के ऊपर, तो वहाँ से आप अपने बिजनेस को रेवेन्यू दे सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल प्लस पे भी आप चला सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन लास्ट जो मैं आपको ऑप्शन देने जा रहा हूँ वो है SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, सर्च इंजन के अंदर आपने वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, या कोर्स भी कर सकते हैं, इसका आपको पता भी होना चाहिए सर्च इंजन क्या है। आप अपने किसी भी कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज के टॉप सर्च रिजल्ट्स में लेकर आए ताकि आपको ट्रैफिक मिले, और वो नॉन पेड और ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है, ठीक है। ये जो पिछले तरीके थे डिजिटल मार्केटिंग में वो सारे पेड थे, जबकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है जिसके जरिए आप वेबसाइट को रैंक करके टॉप पे लाएं और उससे आप एक लॉन्ग टाइम तक आप अपना बिजनेस जनरेट करते रहते हैं। तो ये 5 प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है ये सारी चीजें। ये पूरा एक कोर्स हम कराते हैं, इसके अंदर तमाम कोर्सेज के हम इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर आप स्पेशल एक कोर्स करना चाहें तो ज्यादा बेनिफिट निस्पतन कि एक कोर्स करें इस डिजिटल मार्केटिंग को, क्योंकि इस कोर्स के अंदर तमाम कोर्सेज का आपको इंट्रोडक्शन दिए जाएंगे, लेकिन बेसिक लेवल का आपको ये कोर्स करवाया जाता है। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, उसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग है, गूगल एडवर्ड है, या यूट्यूब मार्केटिंग है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, तो वो आप अलग कर सकते हैं। इस कोर्स की भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं, आप वहां से विजिट कर सकते हैं, या आप गूगल में जाकर लिखे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन ऑर्पिटी तो आपको हमारी वेबसाइट टॉप पे नजर आएगी। जो हमारी वेबसाइट है उसका नाम है www.peakinstitute.com.pk। हमारा नंबर है 03-11-555-9404। और उसके अलावा आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके नीचे कमेंट्स में ऑप्शन में अपॉइंट कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले जिसका नाम है लर्न ऑनलाइन स्कूल। इसके ऊपर आपको बेतहाशी वीडियोस लेटेस्ट आती भी मिलती रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।